वेलकम टू मिस्टर मिसेस शेफ। अक्सर हम सोचते हैं लेफ्ट ओवर रोटी का क्या करें, तो हम आपके लिए लेके आए हैं झटपट से तैयार होने वाली रैप समोसा रेसिपी विथ लेफ्ट ओवर रोटी। तो यहाँ पे आपके पास जो भी लेफ्ट ओवर रोटी पड़ी है उसको बीच में से ऐसे कट कर लें, यहाँ पे ग्रीन चटनी लगा लें उसके एक साइड पे। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। इसके बाद आपके पास जो भी सैलड पड़ा हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टमाटो, कुकम्बर, कुछ अनियन स्लाइसेस, थोड़ी सी पत्ता गोभी, ये सब यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई सा भी सैलड इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने सैलड सेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट ओवर सब्जी, जो मेरी आलू की सब्जी है। आप कोई सी भी सब्जी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये पूरी जो रेसिपी है ये हमने लेफ्ट ओवर सामान से ही बनाई है, और इतनी अच्छी टेस्ट आता है इसमें आपको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं टमाटो केचप, सो दैट कि हमारी जो इस रैप में कुछ खट्टा मीठा सा टेस्ट आए। और ये हम यूज़ कर रहे हैं मेयोनीज। आप चाहो तो इसकी जगह पे आप चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, बट मेयोनीज से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ट्राई करिए कि जो मेयोनीज है बिल्कुल लास्ट वाली लेयर पे लगाएंगे, सो दैट कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो वो अच्छे से पिघल के बहुत अच्छा क्रीमी टेक्स्चर देगी। तो इसको हम इस तरीके से अभी कर लेते हैं फोल्ड, और ये देखो बिल्कुल समोसा की शेप में आ गई है ये। और इसके लिए हम तवा गरम करेंगे और इस पर थोड़ा सा घी डालेंगे, बिल्कुल ही ज़रा सा घी डालना है। और उसके ऊपर रख देंगे हम ये अपना रैप समोसा। इसमें जो हमने मेयोनीज वाली साइड थी वो पहले नीचे रखनी है, सो दैट कि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें अच्छा सा क्रीमी टेक्स्चर आ जाए। तो इसको हम 30-40 सेकेंड के लिए सेकेंगे। डिपेंड करता है कि आपको कितना क्रिस्पी चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा ज़्यादा भी उसको सेक सकते हैं। मैंने 30-40 सेकेंड तक इसको सेका था और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी सा टेक्स्चर आ गया था इस पर। और दूसरी साइड पे भी हम लगा लेंगे घी। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा दूसरी साइड पे भी कोट कर लेंगे, उससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा। क्रिस्पीनेस तो आएगी ही आएगी, कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसको हम फ्लिप कर लेंगे दूसरी साइड पे। ये देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर आया है। अगर आप खाएंगे ना आप सोच भी नहीं सकते कि आपने लेफ्ट ओवर रोटी के साथ और सब्जी के साथ इतना अच्छा रैप तैयार कर लिया है। सो देखो हम इसको दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। वाओ, दूसरी साइड से भी सिक गई है ये, टर्न करके देख लेते हैं। तो हमारा रैप बन के हो गया है तैयार। गैस हम कर देंगे बंद और इसको हम निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेट में। तो ये देखिए कितनी अच्छी जो रैप है हमारी वो बन के तैयार हो गई है। अंदर से भी एकदम पूरी बाइंड हो गई है और टेक्स्चर बहुत अच्छा आया है। अंदर से इसकी फिलिंग दिखा देती हूँ आपको। मेयोनीज का टेस्ट, केचप का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप रेसिपी बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।